अमरीका की तवील तरीन अफगान जंग का खात्मा हो गया, फैसला मैंने किया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं तालिबान के साथ काम करने का फैसला कबल अज़ वक्त होगा। अफगानिस्तान में दाइश की कमर तोड़ दी, काबुल से फौजियों और शहरियों के खतरनाक इनखला का चैलेंज पूरा किया। अमरीकी सदर का कहना था कि अंदाजा नहीं था अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, सोमालिया और सूडान से हमें खतरात का सामना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अमरीका के 42 फौजियों का आखिरी दस्ता भी पाकिस्तान से रवाना। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में अब कोई अमरीकी फौजी मौजूद नहीं रहा, इनखला के अमल में मुकम्मल ताबुन हमारा आजम था। अफगानिस्तान में हुकूमत अफगान अवाम का हक करार, पाकिस्तान हर मुमकिन ताबुन के लिए तैयार। अवाम को हमारा पैगाम है कि हम आपके यहाँ अमन के लिए, आपके यहाँ इस्तेहकाम के लिए दुआगो भी हैं और इंशाल्लाह जो हमारे बस में है हम आपके लिए हाजिर भी हैं। और मुल्ला याकूब को वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखला, मौलवी अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारजा और ज़बीउल्लाह मुजाहिद को वज़ीर इत्तला'आत बनाया जाएगा। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को रईस शूरा की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुल्ला हिब्तुल्ला ने काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी, ऐलान अगले दो रोज़ में मुतवक्के। अफगानिस्तान की सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी, सी पैक की तकमील का मिशन, पाकिस्तान और चीन एक पेज पर मौजूद। सी पैक के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। चीनी सफीर से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक कह दिया। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की मजबूत कोशिशों को सराहा, बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वज़ीर खारजा की मुलाकात है। वज़ीर आज़म ने कहा पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है, बैनुल अक़वामी बरादरी अफगान अवाम से तआवुन करे। वज़ीर खारजा ने जर्मन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है, उम्मीद है तालिबान जल्द हुकूमत बना लेंगे। जर्मन वज़ीर खारजा बोले अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, भारत को मनफी इकदाम से बाज रहने का मशवरा दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी, एक दिन में मजीद 101 मरीज जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 25,889 हो गई, 3,559 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, तबीयत नासाज होने पर इलाज के लिए CMH रावलपिंडी मुंतकिल। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का फैसला, तालीमी इदारों में सेंटर्स बनाए जाएंगे। पेट्रोल डलवाना है तो पहले वैक्सीन लगवाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। लाहौर इंतजामिया कार्ड से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह, रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा, सर्विस सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही फराहम की जाएगी। महंगा महंगा और बहुत महंगा, यकम जनवरी को 106 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 119.80 रुपए पर पहुंचा। बिलाखिर हुकूमत ने आवाम को 1.5 रुपए का रिलीफ दिया। पेट्रोल की नई कीमत 118.30 रुपए हो गई। ओगरा ने पेट्रोल 3.5 रुपए सस्ता करने की सिफारिश की थी। LNG की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल। गुज़िश्ता रात कराची के इलाके मलीर, गडाब, गुलशन हदीद और काठोर में अब्र रहमत बरसी। हैदराबाद में बारिश के बाद पानी जमा। थरपारकर और बदीन में भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। महकमा मौसमियात ने आज से 3 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की है। अहमद भाई मेरा नाम है, 22 साल हो गए मुझे लियाकताबाद में। ये पार्क है, जब हम छोटे थे यहाँ झूले लगे हुए थे, साफ़ सुथरा पार्क था, माली था, लेकिन आज 22 साल हो गए, तकरीबन 8 साल से देख रहे हैं यहाँ कचरा है, बराबर में स्कूल है। मस्जिद और स्कूल के सामने गंदा पानी, कुत्तों के काटने की कहानी भी वही पुरानी, जगह जगह कचरे के ढेर, सीवरेज का निज़ाम भी तबाह, पार्क का है बुरा हाल। कराची लियाकताबाद 9 नंबर का कोई नहीं पुरसाने हाल।
मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च तैयार था तब हमारा दोस्तों ने कहा था इस्तीफों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च का ऐलान करना फिर जाना वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। इस्तीफे दे नहीं सकते तो कहते क्यों हो? बिलावल भुट्टो पुराने साथियों पर तंज करने लगे, बोले हर हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और फिर पीछे हटना नुकसानदेह है। शहबाज शरीफ और मौलाना संजीदा है तो पहले बुज़दार फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए, अपोजिशन संजीदा हो जाए तो सिलेक्टेड हुकूमत को गिरा सकते हैं। स्मृति से अपोजिशन के हमारे जो लोग हैं उन्होंने, मैंने सुबह भी कहा था कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चाहे शैतान से भी अगर इत्तेहाद करना पड़ेगा वो कर लेंगे और हर सूरत में उन्होंने मुखालफत ही करनी है। हमें गिराने के लिए अपोजिशन शैतान से भी इत्तेहाद कर सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद का PDM पर लफ्जी हमला, फवाद चौधरी ने कहा यकीन है शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस की समाअत रोजाना हो तो वो जेल में होंगे। नया चेयरमैन आएगा, नए बंदे लाएगा PCB के नए सेटअप में, सिलेक्शन कमेटी में अहम तब्दीलियों का इम्कान। नामजद चेयरमैन रमीज राजा ने पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दे दिया, नई पॉलिसी के तहत सिलेक्शन कमेटी खुद मुख्तार होगी।